बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी, जबकि एक मैच बाकी है। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 262 रन के हदफ के ताकब में कौमी टीम 182 रन पर ऑल आउट हो गई। कराची में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विल्मसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले ही ओवर में एक मरतबा फिर नसीम शाह कौमी टीम को विकेट दिलवाने में कामयाब रहे। इस मरतबा उन्होंने फैन इलन को दो के मजमुए पर कैच आउट किया। इसके बाद केवी कप्तान केन विल्मसन और डेवन कोने के दरमियान 181 रन की शानदार पार्टनरशिप बनी। इस दौरान कोने ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की। खतरनाक दिखाई देने वाले इस पार्टनरशिप को नसीम शाह ने ही तोड़ा, जब 183 के मजमुए पर नसीम ने कोनवे को खूबसूरत अंदाज में बोल्ड किया। इसके बाद स्पिनर मोहम्मद नवाज ने अपनी जादुई स्पिन का निशाना बनाते हुए 4 केवी खिलाड़ी को आउट किया, जिनमें 82 रन पर मौजूद केन विल्मसन भी शामिल थे। एक जानब जहां विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा, वहीं चल सेंटिनर ने 37 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर अपनी टीम के टोटल को 261 तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 182 रन पर पवेलियन लौट गई। कप्तान बाबर आजम ने 79 रन बनाए, लेकिन इनके अलावा कोई भी खिलाड़ी खतरनाक खेल पेश ना कर सका। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी नवाज़े, शुक्रिया, वस्सलाम।